आप एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने लास्ट जो देखे थे वो अजंता एलोरा केव्स में देखे थे। सो गाइस, आज का व्लॉग शूट करने हम आ गए हैं द फैल्कन बैंक्वेट में। और बिना अंदर जाए मुझे जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी है वो लग रही है इनकी पार्किंग। बैंक्वेट के ग्राउंड फ्लोर पे ही पार्किंग बनी हुई है। आ गए हैं पार्किंग के अंदर, चलते हैं बैंक्वेट के फीचर्स जानने। सो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सो वेलकम बैक टू माई चैनल प्लान फॉर मी इवेंट्स एंड व्लॉग्स। सो आज के ब्लॉग के लिए हम आ गए हैं फैल्कन, जो कि लोकेटेड है रामा रोड पे, न्यू दिल्ली। हमेशा की तरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पहुँचने का। अभी तक तो आपको रट गया होगा कि हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं वेडिंग्स की, इवेंट्स की बिहाइंड द सीन्स, और भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे वेन्यूज़, ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ अपना फंक्शन के हिसाब से अपना बेस्ट वेन्यू। और अगर आपको ये रटा नहीं है तो दैट मीन्स आप चैनल पर न्यू हैं, और न्यू हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखना शुरू कीजिए ये वीडियो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाता हूँ फैल्कन में क्या क्या नई नई जगह है। सो कम विद मी। सो गाइस, हम आ गए हैं फैल्कन के फर्स्ट बैंक्वेट में। पहले तो मैं बता दूँ फैल्कन का मीनिंग क्या होता है। एक टाइप का ये बर्ड होता है। और फैल्कन के फर्स्ट बैंक्वेट की जो बात कर रहे हैं वो है द इम्पीरियल। और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ और अंदर जाके डायमेंशंस दिखाता हूँ, और कैसा हॉल एक किस किस फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो सब मैं आपको बताता हूँ। हम आ गए हैं पहले फैल्कन के इम्पीरियल हॉल के एंट्री पे। आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस पे इन्होंने जो पूरा फ्लावर का वर्क किया हुआ है और लीव्स का वर्क किया हुआ है, तो एक गार्डन वाली फील दे रहा है, आप देख सकते हैं सारा। और साथ में कुछ ये इन्होंने दिए लगाए हुए हैं, अच्छा फील है। एंट्रेंस थोड़ी लेविश फील है एंट्रेंस की, आप देख सकते हैं जैसे डेकोरेशन। पहली नज़र में देखने में हॉल की ग्रैंडनेस का पता चलता है। और आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको डायमेंशंस बता दूं। इसकी जो डायमेंशन है स्टेज तक वो है 150 फीट, और जो ब्रेड्थ है इसकी वो है अप्रॉक्सीमेटली 80 फीट, और हाइट तो लाजवाब है, मोर देन 20 फीट हाइट है इसकी, देख सकते हैं आप। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैसेज है उसके बीच में ब्यूटीफुल शैंडलियर्स लगे हुए हैं। सो अच्छा फील है ऑल इन ऑल। और यहाँ पर आप इवेंट्स अपने प्लान कर सकते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली बड़ा हॉल है, सो मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपनी एनिवर्सरी प्लान कर सकते हैं, वेडिंग का प्लान कर सकते हैं, और बर्थडेज प्लान कर सकते हैं, सगन का, इवेंटों का, ऑलमोस्ट ऑल सेरेमनीज यहाँ प्लान कर सकते हैं आप। सो अंदर चलिए, मैं आपको स्टेज की तरफ लेके जाऊँगा, उसके फीचर बताता हूँ। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैंटास्टिक स्टेज है इम्पीरियल हॉल का, तो पूरा रेड रोजेज का फील है भाई। अगर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ होती तो मैं उसको दे चुका होता यहाँ से लेके, मगर रेड रोजेज का फील है। साथ में शैंडलियर्स हैं आप देख सकते हैं, तो अच्छा ग्रैंड फील आ रहा है, ब्यूटीफुल। सो वन वर्ड में कहना चाहूँगा जो स्टेज है वो ब्यूटीफुल। यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका जो टेबल का फील है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कलरफुल सी टेबल, वाइब्रेंट टेबल लग रही है काफ़ी, और चेयर्स भी अच्छी हैं, और सोफ़ा और जो इसका कुशन है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और पीछे मेरे देख सकते हैं सेंटर में तो जो लगा हुआ है वो है चेयर सीटिंग्स, और सोफ़ा सीटिंग जो है वो एक साइड में मेरे पीछे ही, आप दिखा के लाता हूँ मैं आपको। ये सोफ़ा सीटिंग्स है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है सारा, आप पूरा दिखा सकते हैं, कैमरामैन आप पूरा दिखा सकते हैं रनिंग में। कंफर्टेबल सोफ़ा है, और यहाँ पर गेस्ट बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं पूरा अपना फंक्शन, सेरेमनी कोई भी जिसमें भी आते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं पार्टी का पूरा माहौल सेट हो गया है, और लाइट्स कितनी हैं कि अगर आप एक डीजे मोड पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ मज़ा आ जाने वाला है। यहाँ तीन LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, दो तो स्टेज के लेफ्ट और राइट लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं एक LED स्क्रीन वहाँ और एक डीजे के कंसोल पे लगी हुई LED स्क्रीन, और एक LED स्क्रीन और लगी हुई है जो कि है बिल्कुल रिवर्स में मेरे बैक में LED स्क्रीन। तो तीन LED स्क्रीन है। और इसके अलावा मैं एक फीचर और आपको बताना भूल गया कि ये पिलरलेस हॉल है पूरा, तो इसमें जो फील आता है
वो ग्रैंड ही आएगा आपको, आपके फंक्शन यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है आई होप। बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलते हैं इनके सेकंड हॉल में। आइए गाइस चलते हैं, मैं आपको लेजेंड से मिलवाता हूँ। लेजेंड से आपको क्या समझ में आता है? सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर से नहीं मिलवा रहा, फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड है फैल्कन का एक और हॉल जिसका नाम है द लेजेंड। तो द लेजेंड में लेके चलता हूँ आपको, लेवल वन पे द लेजेंड। सो लिफ्ट से जैसे आप बाहर निकलेंगे लेवल वन पे, आप एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाते हैं। देख सकते हैं नज़ारे से आपको लगता है कि हम पूरे आ गए हैं रजवाड़ा वर्ल्ड में, और रजवाड़ा थीम यहाँ दी गई है जो आप देख सकते हैं। पेंटिंग्स, बड़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे वॉल्स पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो लेवल वन पे द लेजेंड हॉल है उसके अंदर जो आप वॉल की पेंटिंग्स देख सकते हैं। और जैसे ही हम लिफ्ट के बाहर निकलते हैं तो ये PFA है, प्री फंक्शन एरिया बोला जाता है इसको। इसके अंदर चार्ट लगाया हुआ है, चार्ट का अरेंजमेंट है इसके अंदर। उसके बाद चार्ट के अरेंजमेंट के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेन गेट में लेजेंड का, जो मेन एंट्री डोर बना हुआ है जो पूरे हॉल के अंदर लेके जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम पहुँच चुके हैं मेन लेजेंड हॉल के अंदर, और शैंडलियर सबसे पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट किए हैं। शैंडलियर्स अट्रैक्शन काफ़ी है शैंडलियर्स की। मेरे पीछे सारा जो आप देख रहे हैं ये लेजेंड का मेन हॉल है, और इसका जो डायमेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 150 फीट, और जो चौड़ाई है ब्रेड्थ है वो है 70 फीट। मुझे जो इसकी अच्छी बातें लगी हैं पहले मैं वो बताना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वॉल्स हैं, वो बड़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, ग्रे कलर की जो वॉल्स हैं, इसका पैटर्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, देख सकते हैं वॉल्स। और मुझे अच्छा लगा इसका ये सिटिंग अरेंजमेंट का, अगेन इसकी जो चेयर्स हैं वो पूरी रजवाड़ा फील में है। आपको लेके चलता हूँ स्टेज भी दिखा देता हूँ, मेन स्टेज कैसा बना हुआ है। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी जो हॉल की हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट है, अच्छी हाइट है। मैं बैठा हूँ लेजेंड के मेन स्टेज पे, आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्टेज है। इसमें रोजेस के अलावा और भी फ्लावर्स का काम किया गया है, तो अच्छा लग रहा है, ऑल इन ऑल अच्छा ऑप्शन है। देख सकते हैं फुल हॉल। सो अब मैं आ गया लिफ्ट में, क्योंकि हम जा रहे हैं लेवल टू पे जो एक और बैंक्वेट है, तो मैं सारे उसके फीचर बताने वाला हूँ। कम सो गाइस आ गए हैं लेवल टू पे, वाओ क्या शॉट है। जो यहाँ पर वाटरफॉल पूल बना हुआ है ये तो एक ट्रीट टू वॉच है। ये टेरेस, लेवल टू टेरेस हो गई है, हाफ ओपन है, बाकी सारा बैंक्वेट है जो मैं लेके चलूँगा। लेवल टू पे जो इनका बैंक्वेट है उसका नाम है द जिहान, मैं दिखा रहा हूँ आपको द जिहान। तो अभी हम लिफ्ट से एग्ज़िट होते ही मैंने अभी आपको शॉट दिखाया जो बड़ा ब्यूटीफुल लगा मुझे देखते ही, और अब मैं आपको लेके चलूँगा हॉल के अंदर। सो आप देख सकते हैं ये मेन एंट्री डोर बनता है यहाँ पर फंक्शन का, उसके बाद हॉल शुरू होता है। तो मैं आपको हॉल के फीचर्स दिखा देता हूँ पहले। सो हॉल के अंदर हम आ गए हैं, और जो डायमेंशन है वो स्क्वायर हॉल लग रहा है, और 80x80 की डायमेंशन है, तो एक डिफरेंट हॉल है बाकी जो लेवल वन और लेवल ज़ीरो पे जो फ्लोर्स थे उससे डिफरेंट है। फंक्शंस यहाँ आप छोटे अपने फंक्शंस अरेंज कर सकते हैं, कॉकटेल पार्टी, रिंग सेरेमनी, या कोई आप बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं और टेरेस की फील भी लेना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है ये भी आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम अंदर आ रहे हैं तो इनका जो स्टेज है अनलाइक जो बाकी हॉल के हिसाब से राइट में बना हुआ है स्टेज, स्ट्रेट में नहीं बना हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टेज बना हुआ है वो ये है। छोटा स्टेज है मगर डिसेंट है, और आप छोटे इवेंट में तो कर ही सकते हैं इसमें, रोका सेरेमनी हो गई, कोई बर्थडे का ओकेजन है, केक कटिंग वगैरह, तो कंफर्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट 16 फीट का स्टेज है। वॉल की पेंटिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एनग्रेविंग्स जो आप देख रहे हैं स्कल्पचर्स, ये मैंने लास्ट जो देखे थे वो अजंता और एलोरा केव्स में देखे थे, उसके बाद सीधा फैल्कन बैंक्वेट के मैं द जिहान हॉल में देखे हैं, तो अच्छा फील दे रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे। तो वॉल का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं पूरा क्लासिक है। तो जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी एक स्पेशल पार्ट है इस हॉल का, ये झरोका पूरा बना हुआ है सिटिंग, तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है झरोके का, और आई होप कि यहाँ गेस्ट आपके अच्छे फोटोग्राफ करा सकते हैं।
गाइस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जितने भी मैंने आज फैल्कन बैंक्वेट के अंदर जितने भी लोकेशंस दिखाई वो आपकी इवेंट प्लानिंग में आपको काम आएगी और आप यहाँ पर अपना फंक्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छे वेन्यूज़ हैं इनके पास। और मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, एक और नई जगह के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नई जगह पर। सो तब तक मैं उड़ना चाहूँगा फैल्कन की तरह। बाय बाय।